हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी ने निकाला है, जिसमें वेरियस पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। और ये जो वैकेंसीज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए निकाली गई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं हम अब वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो इसके लिए आप बस गूगल ओपन करिए और गूगल ओपन करने के बाद आप टाइप करिए मिजोरम यूनिवर्सिटी। जैसे आप मिजोरम यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आप देख लीजिए जो सबसे पहला वेबसाइट है mjdu.edu.in, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो मिजोरम यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे ऊपर दे रखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे, तो यहाँ पे जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट नोटिस होगी मिजोरम यूनिवर्सिटी में वो सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको आना है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट पे, जिसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। अब इसकी लास्ट डेट उन्होंने यहाँ मेंशन कर दी जो कि 18 अगस्त 2020 है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद अब देखेंगे कि जो नया विंडो ओपन होगा, अब देखिए इस नए विंडो पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो चुका है। अब इस एडवर्टाइजमेंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसके लिए हम कोरिजेंडम एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा और ये आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस है ये 14 जुलाई 2020 को रिलीज किया था। इसमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देख लीजिए, इन्होंने डिफरेंट एनेक्सर दे रखे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, परफॉर्मर फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च स्कोर और इंटीग्रिटी एंड विजिलेंस सर्टिफिकेट। तो इन्होंने 4 और 5 एनेक्सर दे रखे हैं, तो ये सब आपको फिलअप करने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन को कम्प्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जितने भी डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ जो पोस्ट है और इसके साथ ही साथ जो वैकेंसीज हैं वो दिखाई देंगी। तो इसमें देखिए प्रोफेसर की वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दे रखी है। तो इन्होंने सब्जेक्ट के सामने मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम ले लेते हैं बॉटनी के बारे में, ठीक है। तो बॉटनी पे जैसे आप देखेंगे तो इसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी जो कि एससी में है। ऐसे अगर बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर की वैकेंसी वो अनरिजर्व है, यानी कि ये 1 वैकेंसी है। वहीं जूलॉजी में 1 एसटी के लिए है प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व है। तो ऐसे करके देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है। तो आप जिस वैकेंसी में भी आप एलिजिबल हो तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी देखने से पहले इसका हम लोग पे स्केल देख लेते हैं। तो पे स्केल देखिए बहुत ही अच्छा है, प्रोफेसर का 1,44,200 है, इन एकेडमिक लेवल 14, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर का 1,31,400 है और इसका जो एकेडमिक लेवल है वो 13A है। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है 57,700 जो कि एकेडमिक लेवल 10 का है। तो इसका जो पे स्केल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि अदर यूनिवर्सिटी से में होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग चलते हैं देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग बॉटनी का देखते हैं, बॉटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री। स्क्रॉल डाउन आप करते रहिए तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका जो है एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते रहिए, आप देखिए इसमें बॉटनी का, इसके बाद ये तो इन्होंने पूरा वो दे रखा है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, फूड टेक्नोलॉजी। तो देखिए आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका जो है एलिजिबिलिटी दे रखा है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर, तो ठीक है। तो इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स या एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, इसके साथ ही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद अ पीएचडी डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस
और मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, जो कि हमें पता है कि एसोसिएट प्रोफेसर के बनने के लिए आपको मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है। तो ये हो गया एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी। ऐसी जो है प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है जिनमें पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, इसका मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग एंड रिसर्च, एट लीस्ट 3 ईयर्स शैल बी एट अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू डेट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। अब आप जिस एलिजिबिलिटी में आप जो है फिट हो रहे हैं तो आप उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं, वो फॉर्म्स भी देख लेते हैं। तो जैसे कि इसमें इन्होंने अपेंडिक्स दे रखे हैं, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें आपको जो डिफरेंट मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि रिसर्च पेपर पीयर रिव्यू जनरल और यूजीसी रिलेटेड जनरल में है 8 per paper 10 per paper। इसके बाद अगर आपने कोई बुक वुक लिखी है वो भी इंटरनेशनल पब्लिश हुई है या नेशनल पब्लिश हुई है, तो उसके अलग मार्क्स हैं। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स को इन्होंने मार्क्स को पूरा डिवाइड कर दिया है, और उसी के बेस पे आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि पेपर रिफर जनरल विदाउट इंपैक्ट फैक्टर 5 पॉइंट्स है, अगर आपका पेपर है वो इंपैक्ट फैक्टर बिटवीन 2 and 5 आता है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, वहीं अगर पेपर विद मोर देन 10 इंपैक्ट फैक्टर तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सब इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है, और इस क्राइटेरिया के बेस पे ही ये क्या करेंगे आपका जो सेलेक्शन है वो डिपेंड होता है इन सारे क्राइटेरिया के बेस पे। इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स दे रखे हैं, यही एप्लीकेशन फॉर्म है, इन्हीं को आपको फिल करना है, और साथ ही साथ जो अमाउंट है आपको वो पे करना है एप्लीकेशन का, ऑफिस सेंड कर देना है मिजोरम यूनिवर्सिटी में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ये सब आपको फिलअप करने पड़ेंगे, उसके बाद इन सब फॉर्म्स को आपको सेंड करना है मिजोरम यूनिवर्सिटी में। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कितने जो है एप्लीकेशन आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और साथ ही साथ जो है वो है प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप जिस भी चीज में आप अगर एलिजिबल हो तो आप उस पोस्ट के लिए जो है आवेदन या एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सब इन्होंने देखा है दिया है, ऑलरेडी मैंने आपको सब मेंशन कर दिया है, और लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त 2020 है। तो बिफोर 18 अगस्त 2020 आपको जो ये फॉर्म है उसे पूरा अच्छे से फिल करना है, साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है या प्रूफ जो भी है पेमेंट का वो सब आपको सेंड करना है। तो यहीं पे जो मेरा वीडियो है वो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अगर अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।